नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपोर्ट फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके Eutelsat 70V सैटेलाइट के बारे में। उस पर आपको एक नया चैनल देखने को इसमें मिल रहा है, जो कि दोस्तों आपको इसकी वीडियो में आपको बताएंगे वो कौन सा चैनल है और किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले बता देते हैं, वीडियो में बने रहिए और हम सबसे पहले बता देते हैं उस कैटेगरी का नाम, जो कि उस पर कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। दोस्तों, उस पर आपको जो मुहर्रम टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं मुस्लिमों भाई का, जो एक त्यौहार होता है उसका, उस पर लाइव प्रसारण जो कि मक्का मदीना से दिखाया जा रहा है, एक फुल HD चैनल है। तो जो हमारे मुस्लिम भाई उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एक नया चैनल जो कि Eutelsat 70V पर ऐड हो चुका है, जो कि इसी हफ्ते ऐड किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर एक ये अपडेट दी जा रही है, तो इस अपडेट को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, बिना देर के आए वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने इस सैटेलाइट को Eutelsat 70V, जो कि इसको मैंने 4 फीट डिश एंटीने पे ट्रैक किया है। बाकी दोस्तों, आप दो फीट के डिश पे भी इस सैटेलाइट को ट्रैक कर सकते हो, तब पर भी आप ये चैनल मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, मैंने 4 फीट सैटेलाइट को ट्रैक करा था, उस पर मैंने सेट कर लिया और ये चैनल से मैं रिसीव हुआ है। तो आइए हम आपको इसकी टीवी डिटेल के साथ साथ इस चैनल को हम चला कर दिखा देते हैं अपने बॉक्स में, जो कि MPG4 बॉक्स में ये चलेगा, क्योंकि ये फुल HD चैनल है और आप इस चैनल का आनंद बिल्कुल फ्री में उठा सकोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और आइए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं टीवी स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर हम अपने टीवी स्क्रीन की ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बॉक्स में स्कैनिंग हो रही है और हम देखते हैं कितने चांस इस सैटेलाइट पर हमें रिसीव होते हैं Eutelsat 70V। यानी कि आप इस सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए आपके पास 2 फीट का डिश एंटीना होना चाहिए और ये सैटेलाइट पूरे लगभग भारत में ही आ जाती है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हो नंबर पहले TP आ चुकी है, टेस्ट नाम से ये है TP डिटेल। इसमें जो चांस मिला है TP डिटेल से आप देख लीजिए, 12534 22221। इसमें यहाँ पर देख सकते हो इमाम रिजा TV आ चुका है दोस्तों, और MTA भी आ चुका है, जो कि ये दो चांस इसमें मुस्लिम भाइयों के लिए मिल जाते हैं हमें। और आइए हमारे स्कैनिंग लगभग ख़त्म कर, लगभग यही 4 चांस रिसीव होते हैं इस सैटेलाइट पर, और हम देख लेते हैं किस टाइप के चांस यहाँ पर ये इमाम रिजा TV और MTA मिलते हैं। बाकी MTA तो इस सैटेलाइट पर पहले से ही था, जो कि नया चांस इस सैटेलाइट पर है वो है इमाम रिजा TV, जो कि मुस्लिम भाइयों के लिए इस पर आप सभी को जैसा कि मालूम होना चाहिए प्रोग्राम अच्छे खासे आते हैं। और यहाँ पर मैंने स्कैनिंग को समाप्त कर लिया है, आइए हम आपको चला के दिखा देते हैं चैनल्स। और यहाँ पर जैसे देख सकते हो इमाम रिजा TV पर किस टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो बिल्कुल फुल HD क्वालिटी में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास 4 फीट या 3 फीट का डिश एंटीना है तो आप चैनल को कवर कर पाएंगे। 2 फीट पर भी आ जाएगा हमारा जहाँ तक अनुमान है कि 2 फीट पर ये चैनल आपका रिसीव हो जाएगा। और बाकी इसकी TV डिटेल्स की बात करें तो TV डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और ये सैटेलाइट जो कि Eutelsat 70V, जो कि ये बेहतरीन सैटेलाइट मानी जाती है, इस पर आपको आने वाले कुछ महीनों पहले कुछ CTA चैनल का नाम का जो चैनल्स मिले थे वो भी आपको मिलते थे। और यहाँ पर ये देख सकते हो जैसा कि MTA माता मुस्लिम TV भी चला हुआ है बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल HD क्वालिटी में। और बाकी ये जो चैनल से आपको MPG4 बॉक्स में ही देखने को मिला, इसकी TV डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी दिख रही है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल बनाए थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।